बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार रोपड़ से शुरू होकर जो सफर शुरू हुआ था बांदा में जाके खत्म हुआ, अब जेल में बैरक नंबर 16 में उसे रखा गया है जहां से उसकी ये सफर की शुरुआत हुई, जहां पर वो रोपड़ जेल से चला बड़े काफिले के साथ, पुलिस वाले उसको लेकर निकले, जिन रास्तों से होता हुआ गुजरा और जहां पहुंचा चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनकी नजर से आपने देखा पूरा अपडेट। ये बांदा जेल की सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा अभी भी कड़ी है, भारी सुरक्षा बल वहां मौजूद है। और ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल दोपहर 2 बजे रोपड़ जेल से वो निकला, जब कागजी कार्रवाई पूरी हुई सुबह 11 बजे कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी, उसके बाद संभू बॉर्डर से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल का रास्ता अपनाया गया, ग्रेटर नोएडा पहुंचे, उसके बाद नोएडा पहुंचे, उसके बाद हम आपको अलग अलग वो रूट दिखा रहे हैं, इटावा पहुंचे, उसके बाद कानपुर पहुंचे और फिर आखिरकार ये सफर बांदा में जाके पूरा हुआ, जहां पर सुबह 4:30 बजे काफिला पहुंचा गाड़ियों का और 4 ही गाड़ियां अंदर गई और जिनमें एक एम्बुलेंस मौजूद थी, एम्बुलेंस में मौजूद था मुख्तार अंसारी जो लेटे लेटे पहुंचा वहां, लेकिन वहां व्हीलचेयर से अंदर नहीं गया, खुद पैदल चलकर अंदर गया। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता का रुख करते हैं जो इस वक्त बांदा जेल के बाहर है। अंकित, बैरक नंबर 16 में शिफ्ट कर दिया गया अंसारी को, अब वहां से क्या कुछ ताजा जानकारी आ रही है और हेल्थ को लेकर के भी कुछ गड़बड़ी की खबर आ रही थी? वहां बैरक में ले जाया गया तो पूछा जाता है। जी अंकित, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अंकित, आप एक बार ऑडियो चेक कीजिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बांदा जेल की सुरक्षा और बढ़ाई गई। जाहिर तौर पर जब अंसारी को लेकर आया गया तो सुरक्षा बहुत कड़ी थी और अब सुरक्षा बांदा जेल की एक बार फिर से बढ़ा दी गई है और तेज कर दी गई है। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अंसारी लंबे वक्त के इंतजार के बाद अब पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। आनंद जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी, सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में था आनंद जी, वो जी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार ये राजनीति का प्राधिकरण हो रहा है या प्राधिकरण को राजनीति से जोड़ा जा रहा है? पहुंच चुका है अब ये पूर्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने और आज पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार एक माफिया सरगना को, एक दुर्दांत अपराधी को अपना पूरा सहयोग और संरक्षण प्राप्त किया, आज उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया है कि सरकार अपराधियों के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ खड़ी है। और हमने इसीलिए प्रयास किया हमारी सरकार ने कि उस अपराधी को जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश से 52 से अधिक मुकदमे हैं, हम पीड़ित परिवारों को न्याय दिला सकें, उसे उत्तर प्रदेश लाएं और माननीय न्यायालय के माध्यम से उसे हम दंडित करा सकें और निश्चित रूप से विश्वास है कि वह दंडित होगा। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आनंद स्वरूप जी से? शुक्ला जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी, आप जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात आप कर रहे हैं, तो इस बीच में राजनाथ सिंह से लेकर के रामप्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह की भी सरकार रही, उस दौरान भी अंसारी परिवार का उतना ही बड़ा दबदबा था, तब भी उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई और जिस तरीके से ये जेल से निकला बांदा से। जी बताइए, इसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से हमारी सरकारें में हुए और विशेष रूप से 2005 में मऊ दंगे जो अक्टूबर 2005 में हुए और उसके बाद साजिश के तहत हमारे स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जी के साथ 7 लोगों की हत्या इन सबों ने किया और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार का पूरा सहयोग मुख्तार अंसारी के गैंग को था, मुख्तार अंसारी को था। यह जानबूझ करके 2005 के अक्टूबर के मऊ दंगों के बाद सरेंडर करके जेल में गया था, जब पूरी साजिश कर लिया था कृष्णानंद राय की हत्या करने का, और उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और बसपा में भी इसको पूरी तरीके से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। जेल में भी 5 स्टार की सुविधाएं प्राप्त करता था और पूरा गैंग अपना चलाता था। आज योगी जी की सरकार आने के बाद मैं एक बात शुक्ला जी, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आपको, आप भी इस बात को जानते होंगे कि जिस तरीके से ये बांदा जेल से 24-26 महीने पहले निकला था, तब भी ये पता चला था कि जेल के ही कई कर्मचारी अधिकारी की उससे मिली भगत थी। आप भी जानते हैं सिस्टम में कई ऐसे लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। एम्बुलेंस के मामले में भी बीजेपी के एक नेता का नाम आया, आपको लगता नहीं कि बहुत मुश्किल काम है ये?
आपके लोग भी अंदर से मिले हुए हैं कुछ लोग? नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं, योगी जी के राज में कहीं कोई अंदर से मिला हुआ नहीं रह सकता है। आप देखते हैं किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करते हैं जिनकी कहीं भी शासन के मंशा के विपरीत कार्य करने की प्रामाणिकता आती है, और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में इसके आर्थिक साम्राज्य को ढहाया गया है, 72 से अधिक लोगों जो इससे जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तारी की गई है, 96 से अधिक लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, एक पूरी कार्रवाई माफियाओं के विरुद्ध, वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इसके सलीके जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में हैं, सभी के विरुद्ध योगी जी की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और हम सभी को पूरा विश्वास है, जो 2019 में वह चला गया था पंजाब जेल में, पंजाब सरकार ने और मुख्तार अंसारी ने मिलकर के साजिश रची थी और वह वहां पर पेशी पर गया, और उसके बाद से हमारी सरकार ने, हमारी यूपी पुलिस ने 26 बार प्रयास किए, लेकिन पंजाब की सरकार होकर के कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार ने लगातार, शुक्ला जी ये बात तो हो गई, वो मुख्तार अंसारी अब आ भी गया। नहीं नहीं शुक्ला जी, अब आपकी पहली प्राथमिकता तो सरकार की ये होनी चाहिए ना कि जो गवाह पहुंचे, सबूत जो थे, जो गवाह पहले पलट जाते थे वो नहीं होगा, उस पर क्या कोई काम हो पाएगा? जो एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट, निश्चित रूप से हम सभी को पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से पहले यह जेलों में 5 स्टार की सुविधा प्राप्त करता था, अपना पूरा गैंग चलाता था, अब यह कतई नहीं होगा। बैरक नंबर 15 में वह रखा जाएगा और जो एक अपराधी के साथ जेलों में व्यवहार होता है वही उसको सुविधाएं प्राप्त होंगी, और कोई भी गवाह को डराने धमकाने की परिस्थिति नहीं बन पाएगी। हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी 15 मामले अभी ट्रायल में चल रहे हैं उन सभी में गवाह अपनी निडर होकर के अपनी गवाही पूरी करेंगे, और निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के सभी लोगों को सजा हो सकेगी। आनंद स्वरूप जी, लेकिन जो सवाल लगातार पंकज जी पूछ रहे हैं वही मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी दिखाई तब भी दी जो पुलिस की टीम पूरी मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ बांदा पहुंची, किसी के पास भी उनका मोबाइल फोन नहीं था, क्योंकि शक वहां पर भी था कि कोई टिप ऑफ कर सकता है कि हम कहां से गुजर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सुरक्षा में भारी चूक तो बिकरू का उनके वक्त भी दिखाई दी थी, किसी ने तो टिप ऑफ किया होगा। तो वही सवाल है कि सिस्टम के भीतर के लोग ही इस तरीके के लोगों को मजबूत बनाते नहीं, हमारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे उच्च अधिकारियों ने जो व्यवस्थाएं बनाई होंगी, निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधी को लाने के लिए जो भी सुरक्षाएं आवश्यक थी, हमारा प्रयास यह है कि उसको हम न्यायालय के माध्यम से जो पीड़ित पक्ष है, जो गवाह है, उनके द्वारा गवाही करा के पीड़ित पक्ष की बात न्यायालय में पहुंचा कर उसे न्यायालय के माध्यम से दंडित कराएं, इसीलिए पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। जी हाँ, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए, वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हैं और हमारे साथ आनंद जी भी मौजूद हैं। देखिए, रोपड़ से बांदा पहुंचते ही अब मुख्तार के गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो गया है, जिनमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। आइए देखते हैं मुख्तार कैसे अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की शुरुआत 1988 से होती है। मंडी परिषद की ठेकेदारी के झगड़े में सज्जितानंद राय की हत्या हुई और पहली बार उसका नाम पुलिस फाइल में आया। 1991 में मुख्तार पुलिस के गिरफ्त में आया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, वीएचपी के नंद किशोर रुंगटा का अपहरण और एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले का मामला शामिल है। पंजाब से यूपी आने को लेकर मुख्तार लगातार अपनी जान के खतरे की चादर तान रहा है। हालांकि अब भी मुख्तार का परिवार जान पर खतरे का अंदेशा जता रहा है, लेकिन सरकार इन आशंकाओं को निराधार बता रही है। बांजा जेल में जब मुख्तार बंद थे तो उनको चाय में जहर पिला दिया गया, अब उसी बांदा जेल में फिर आप जा रहे हैं, ये तथ्य किसी के सामने है? बांदा जेल में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं, जितनी आवश्यकता है जेल पुलिस की, पीएसी की, अधिकारियों की, उसकी और समय समय में उसकी समीक्षा होती रहेगी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में कुछ ही दिन रखा जाएगा, इसके बाद उसे प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। ABP News, आपको रखे आगे।